भी फैक्ट सामने आते हैं उसमें गुण दोष के आधार पे जो कार्यवाही की जानी चाहिए वो की जाएगी। ये है योगी सरकार के मंत्री, नाम है राकेश सचान। मंत्री जी इस वक्त कहाँ हैं कोई नहीं जानता। अवैध हथियार मामले में कानपुर कोर्ट से दोषी करार होने के बाद से नदारद है। आरोप भी गंभीर है, आदेश की कॉपी लेकर फरार होने का इल्जाम है। हमने जो है इस पूरे प्रकरण को प्राप्त करने के बाद परीक्षण करने का काम शुरू किया है। हमने अब तक जो है कई चीजों को यहाँ पे एग्जामिन किया है और इसमें डिटेल्ड इंक्वायरी, डिटेल्ड एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है। उसमें जो भी फैक्ट सामने आते हैं उसमें गुण दोष के आधार पे जो कार्यवाही की जानी चाहिए वो की जाएगी। इस आरोप के बाद आज तक की टीम मंत्री की खोज में उनके लखनऊ के सरकारी आवास पहुंची। 9 से 11 बजे तक मंत्री जी ने मुलाकातियों के लिए वक्त रखा है, लेकिन 9 बजे के बाद भी मंत्री जी की कोई खोज खबर नहीं दिखी। माननीय मंत्री जी से आवास पर मिलने का समय सुबह 9 से 11 बजे तक। मंत्री जी का नाम राकेश सचान, मंत्री यूपी सरकार। यूं तो मिलने का समय 9 से 11 का है और इस वक्त हमारी घड़ी में समय कुल 9:15 हो रहा है, पर ना यहाँ पर जनता है, ना दरबार लगा है और ना माननीय मंत्री राकेश सचान की आवास पर मौजूदगी है। हम आप पहुंचे उनके आवास पर। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कैमरामैन गौरव अंदर की तस्वीर है, ये बाहर की पोर्शन है और अब कैमरा आपको मैं अंदर की तरफ दिखाऊंगा किस तरह से अंदर इस वक्त राकेश सचान के घर पर सन्नाटा लगा है। यूं तो बाहर बड़ा सा पोस्टर लगा है कि भाई 9 से 11 बजे तक मिलने का समय है, जनता दरबार लगता है, पर यहाँ मौजूद लोगों की माने तो मंत्री साहब पिछले 3 से 4 दिन से अपने इस आवास पर नहीं आए हैं। उन्होंने यहाँ पर दस्तक नहीं दी है। किसी को नहीं पता वो लखनऊ में है, कानपुर में है, फोन नंबर पर भी उनसे बात करने की कोशिश की गई पर 3 से 4 बार फोन मिलाया गया पर उनका नंबर नहीं उठा। मैं एक बार फिर से ऑन कैमरा कोशिश करूंगा। मंत्री जी को बार बार फोन किया गया लेकिन फोन की घंटी ही बजती रही। आज तक संवाददाता ने एक बार फिर फोन मिलाया तो मंत्री जी ने कानपुर में होने का हवाला दिया, लेकिन आदेश की कॉपी लेकर फरार होने की खबर पर पक्ष रखने के लिए मिलने की बात से मुकर गए। मैं समर्थ बोल रहा हूँ आज तक से। हेलो, मंत्री जी से बात हो रही है? हाँ, कौन बोल रहा है? जी मैं समर्थ बोल रहा हूँ आज तक से। जी सर, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, कानपुर में है, लखनऊ में है? हम कानपुर हैं। कानपुर हैं। अच्छा सर, मुलाकात हो पाई आपसे? अब मुलाकात दोपहर तक करिएगा। दोपहर तक आ जाऊँ सर मैं? बताइए कोई खास बात। सर भाई थोड़ा सा आपसे बाइट लेना था, वो जो मसला चल रहा है आपका कोर्ट वाला उसको लेकर। हाँ। सर आपका वर्जन भी आ जाता एक बार। अब वर्जन तो आप लोगों ने जो चलाना था दिन रात चलाए। नहीं तभी मैं कह रहा हूँ ना, आपका पक्ष ले लूंगा आके तो आपको जो बताना है। हमारा पक्ष तो आ ही गया अब करीब सब आपका। नहीं नहीं सर, वो दिन में आया था ना, तहरीर के बाद नहीं आया था। तो अगर आपको कुछ कहना है तो मैं लखनऊ में, कानपुर से आने में मुझे 2 घंटा लगेगा पहुँचने में। तुम्हें दो आप अभी मत आइएगा और मैं जो है फिर शाम तक कोई ना कोई बताता हूँ आपको। हम लोग भी देख ले, बात कर ले, लेकिन अभी हो सकता है लखनऊ आना पड़े तो फिर आपसे लखनऊ। उन्होंने कहा कि मामला छात्र राजनीति के वक्त का है, उस वक्त विरोधियों ने केस किया था। कहीं कोई किसी तरह की भ्रामक बातें हैं जो भी चल रही है और विद्यार्थी जीवन के हम लोगों के ऊपर उस समय संघर्ष के दौरान जो केस लगाए गए थे 90 के दशक में जब हम लोग विद्यार्थी राजनीति करते थे, वही कुछ मामले अदालत में लंबित हैं और उन्हीं पर उनकी तारीखें भी चलती हैं और आज भी कुछ तारीख लगी थी तो उसमें आगे बहस की तारीख जज साहब ने शायद कोई दी है। ये सब भ्रामक प्रचार है, रूमर है। वकील और जज के बीच में जो बहस के रिश्ते होते हैं उसमें सब तरह की बातें सब भ्रामक है, कहीं कोई उनमें दम नहीं है। मामला गंभीर है, कानून का है, मंत्री का है। अब मंत्री ही कोर्ट और कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर बाकियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कानपुर से रंजय कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।